नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूं आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना से नाल भी वीडियोज लेकर आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है मोबाइल में। तो स्मार्टफोन में दोस्तों जब भी हम लेने जाते हैं दोस्तों, तो हमको दोस्तों वहाँ पे पूछा जाता है कि कितने GB का आप वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल वाला मोबाइल आप लेना चाहते हैं, या फिर हम जब वहाँ पे किसी व्यक्ति का दोस्तों दूसरे आदमी का मोबाइल लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कितना इसका इंटरनल स्टोरेज है, कितना एक्सटर्नल। तो ये सब दोस्तों मैं पूरा आपका डिटेल से बताने वाला हूँ। आपको करना कि आपको वीडियो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपके मन में जो कोई डाउट हो दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज से वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो इंटरनल होता है दोस्तों, वो इंटरनल जो होता है वो दोस्तों उसका प्राइमरी होता है मोबाइल में कितना इनबिल्ट आपको स्टोरेज दिया जा रहा है। यानी कि सपोज़ दैट किसी किसी मोबाइल में आपको 32 GB है, 16 GB है, तो इन तरफ जो कंपनी वहाँ पे खुद से देती है दोस्तों इनबिल्ट करके आपको स्टोरेज, वो कहलाता है दोस्तों इंटरनल स्टोरेज। और एक्सटर्नल स्टोरेज वो होता है दोस्तों जो कि वहाँ पे हम लोग अलग से वहाँ पे SD कार्ड वगैरह इंसर्ट करके जब उसको अपने काम में लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो होता है दोस्तों एक्सटर्नल स्टोरेज उसका। यानी कि उस मोबाइल में, स्मार्टफोन में दोस्तों इंटरनल स्टोरेज वो हुआ जो कंपनी ने खुद बिल्ट करके दिया है इनबिल्ट, जैसे कि 16 GB का है और मैंने उसमें 32 GB के अलग से पेन ड्राइव लगा दी है, माफ़ कीजिएगा SD कार्ड लगा दिया है। तो दोस्तों वहाँ पे जो 16 GB का है स्टोरेज, वो तो मेरा इंटरनल हो गया स्टोरेज। और जो मैंने वहाँ पे SD कार्ड को इंसर्ट किया अपने मोबाइल में, 32 GB का SD कार्ड को मैंने इंसर्ट किया, तो वो मेरा हो जाएगा एक्सटर्नल स्टोरेज। ये दोस्तों काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं समझता हूँ दोस्तों ऐसे काफ़ी लोग हैं दोस्तों जिनको नहीं पता अभी भी वो स्मार्टफोन लेने जाते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो यही मेन डिफरेंस है दोस्तों कि इंटरनल स्टोरेज क्या है और एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है। इंटरनल स्टोरेज में दोस्तों आप वहाँ पे उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ये भी एक आप समझ लीजिए। जितना आपको इनबिल्ट करके दिया जाएगा, हो सकता है 16 GB का आपको बोला जाए तो उसमें कुछ कम ही आपको दिया जाता है। आपके काम में दोस्तों सिर्फ 14 GB का ही वो आएगा, बाकी 2 GB में वो खुद अपनी कंपनी वाला जो मोबाइल होगा उसके लोगो वगैरह वगैरह चीज़ें उसमें इंसर्ट करके आपको देता है। तो वो होता है इंटरनल स्टोरेज दोस्तों। अभी यह बात करूँ दोस्तों एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल स्टोरेज आप खुद से बढ़ा सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज आप नहीं बढ़ा सकते। एक्सटर्नल स्टोरेज आप खुद से बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहे उतना सकते हैं। एक कैपेसिटी उसकी भी डिसाइडेड होती है दोस्तों कि एक्सटर्नल स्टोरेज आप कितना इस मोबाइल में बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सैमसंग का दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल है, उसकी दोस्तों इंटरनल उन्होंने 16 GB दे रखी है, लेकिन एक्सटर्नल उसको वहाँ पे 128 GB तक आप बढ़ा सकते हो। तो 128 GB तक आप वहाँ पर SD कार्ड को इंसर्ट करो और यूज में लो अपने वहाँ पे स्टोरेज को। तो यही दोस्तों मेन डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया और नीचे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली वीडियो में ज़रूर देता हूँ दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजों से नल्बे वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके हमारे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सब लोग को पता चल जाए कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज का क्या मतलब होता है, क्या मेन डिफरेंस होता है। तो मिलूंगा दोस्तों नए वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।